फाइव स्टार्ट कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है हैकिंग के रिलेटेड। आप सभी को पता है हैक करने का मतलब क्या है? अनऑथराइज किसी सिस्टम में एंटर करना या किसी की लॉगिन डिटेल्स को फाइंड आउट करना। अनऑथराइज मतलब विदाउट एनी प्रायर परमिशन अगर किसी नेटवर्क में आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो दैट इज नथिंग बट अ हैकिंग। तो अटैकर्स जो अटैक करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, अटैक करने के बाद वहां से इम्पोर्टेंट डेटा वहां से गैदर करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा इम्पोर्टेंट डेटा गैदर होता है तो उसको हैकिंग के कंसिडर किया जाता है। हैकिंग डेवलप अलोंग साइड फोन फ्रैकिंग। फोन फ्रैकिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि फोन नेटवर्क मतलब अपने मोबाइल का जो सिम कार्ड है अपना नंबर है उसका यूज करके फोन नेटवर्क यूज करके अगर किसी के इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो उसमें फोन फ्रिकिंग मतलब ये वाला वर्ड वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है। हैकिंग डेवलप अलोंगसाइड फोन फ्रिकिंग अ टर्म रेफर्स टू एक्सप्लोरेशन ऑफ द फोन नेटवर्क विदाउट ऑथराइजेशन। देयर हैज ऑफन बीन ओवरलैप बिटवीन बोथ टेक्नोलॉजी एंड पार्टिसिपेंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि फोन नेटवर्क में अनऑथराइज जैसे आपका वाईफाई ऑन है अनऑथराइज कोई पर्सन जी लॉगिन करने की कोशिश करता है। इथिकल हैकिंग इज द साइंस ऑफ टेस्टिंग कंप्यूटर एंड नेटवर्क फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इथिकल हैकिंग कभी कभी किसके लिए यूज होता है कि कंप्यूटर को टेस्ट करने के लिए नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए वो जो आपको होल्स लूप होल्स फाउंड होते हैं उसको अनऑथराइज पीपल किस तरह से चांस मिलता है गेट अ चांस टू एक्सप्लॉइट और एंटर इन टू द सिस्टम उसको इथिकल हैकिंग कहा जाता है। अभी इथिकल हैकिंग में क्या रहता है देखो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि मोबाइल नेटवर्क में आप वाईफाई वगैरह ऑन करते हो तो वाईफाई का जो पासवर्ड रहता है अगर किसी अननोन पर्सन को पासवर्ड पता रहेगा तो क्या रहेगा कि इजीली कोई भी उसमें लॉग इन कर सकता है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है मतलब जैसे उसको पासवर्ड पता नहीं लेकिन ट्राइंग टू लॉग इन तो हो सकता है कि ऐसा सक्सेसफुल अटेम्प्ट आए और उसको पासवर्ड मिल जाए और वो लॉग इन हो जाए इजीली। तो ये फोन फ्रेकिंग में आ जाता है। और इथिकल हैकिंग एक साइंस या टेक्नोलॉजी कह सकते हो जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क में ऐसे लूप होल्स फाइंड करते हैं कि लूप होल्स मतलब ऐसे एंट्री पॉइंट्स कि जहाँ पे अननोन पर्सन अननोन अटैकर्स इजीली एंटर कर रहे तो ऐसे लूप होल्स को फाइंड करना अनऑथोराइज पीपल किस तरह से यहाँ पे लॉग इन कर पाते हैं। तो ऐसे लूप होल्स फाइंड आउट करने को फाउंड किए जाते हैं तो उसे उस तरह से अननोन पीपल को चांस मिल जाता है कि अपने डेटा को गैदर करने का। तो ये इथिकल हैकिंग में आ जाता है। अभी इथिकल हैकिंग जो है ना एक अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट था उसमें भी उसने किया था इथिकल मतलब हैकर इथिकल हैकिंग में उसने वर्क किया था। एक्चुअली उसका इथिकल नहीं था अनइथिकल किया था उसने ट्राई। आवाज आ रही है क्या सभी को? हेलो सुन रहे हैं ना सभी? ओके ओके ठीक है। अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट था नाम नहीं बताती मैं उसका लेकिन उसने क्या किया था कि अनऑथराइज एक पुलिस की जो वेबसाइट होती है जहाँ पे बहुत सारा क्रिमिनल्स का डेटाबेस होता है या फिर क्राइम केसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है उनके फोटोज उनकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह होते हैं वो एक पुलिस की जो एक वेबसाइट थी ना उसको हैक करने की कोशिश की थी। हैक का मतलब क्या है? अनऑथराइज अनऑथराइज उसने लॉगिन करने की कोशिश की थी एंड
डिप्लोमा में ही ट्राई किया था उसने, अपने सेकंड या थर्ड ईयर में था तब, 3-4 साल पहले की बात है शायद। तो उसने वैसे ट्राई किया, और जैसे ही ट्राई किया एक्चुअली उसका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल लॉगिन की वजह से उसने है ना मतलब वहाँ पे लॉगिन करके डिटेल्स वगैरह या फिर कुछ चेक किया होगा, आई डोंट नो उसने एग्जैक्टली क्या क्या किया उसमें। तो जैसे आपको पता है कि सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि पुलिस लोगों को इजीली पता चल जाता है कि क्या क्या किया था, तो वैसे ही सिक्योरिटी सिस्टम में अलर्ट आया, नोटिफिकेशन आया कि एट दिस टाइम समवन इज लॉगिंग इन टू द सिस्टम। एंड जैसे ही लॉगिन हो गए, तो जैसे ही कोई लॉगिन होने लॉगिन करने की कोशिश की, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट से उसका लोकेशन फाइंड हुआ और उसको हैकर एज अ हैकर के लिए उसको पकड़ा गया। तो जैसे ही वो पकड़ा गया ना, तो क्या हुआ था कि प्रॉब्लम ये था कि वो बिलो 18 ईयर्स था, तो उसको मतलब ये नहीं कर पा रहे थे, क्या बोलते हैं, बिलो 18 ईयर्स को डायरेक्टली इसमें नहीं डाल पाते जेल में, तो उसको डाला नहीं। और उसको सारे क्वेश्चन किए, फिर आपने हैक क्यों किया, कि कोई क्रिमिनल है क्या, कोई आपके बैकग्राउंड में किसी का इंफॉर्मेशन है, इस तरह से उसको बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। तो उसने बताया कि मुझे कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं चाहिए थे, आई एम जस्ट लॉगिंग एज अ मतलब जैसे मैंने ट्राई करके देखा, नॉट मुझे कुछ गैदर करना था, अपडेट करना था, लेकिन वो पता है क्या, ऐसे मुझे ट्राई करना था, चेक करना था सिर्फ। तो पहले तो थोड़ा सा मतलब जैसे आप बोलते हो कि कोई भी विश्वास नहीं रखेगा कि सिर्फ हमें चेक करने के लिए या फिर फन के लिए या फिर ट्राई करने के लिए करके देखा, लेकिन उन्होंने बाद में उसको चेक किया तो देखा उन्होंने कि उसने कुछ भी अपडेट नहीं किया था, मॉडिफाई नहीं किया था, जस्ट ट्राई करके देखा था। तो उसने बोला कि मैंने इसके पहले भी अलग अलग सिस्टम को लॉग इन करके उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा उसको 2-3 दिन तक वहीं पे रखा, फिर उसको थोड़ा सा समझाया कि हैकिंग करना गलत बात है। तो उसको अभी वो इथिकल हैकर बन गया है। इथिकल हैकर में क्या करता है वो, बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इन्फोसिस, इस तरह से जो कंपनीज थे ना, उसमें जो लूप होल्स है, मतलब जो वेबसाइट है उसमें जो कंस्ट्रेंट है, या फिर जो बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक, जैसे जिसमें से अननोन पर्सन इजीली अटैक कर सकता है, वो सारा उनको फाइंड करके मैसेज करता है। तो उन्होंने पुलिस को भी ये बताया कि आपके सिस्टम का ये लूप होल है, ये प्रॉब्लम था, और ये नेटवर्क की सिक्योरिटी ना होने की वजह से मैं इजीली एंटर कर पाया। अगर आपने यहाँ पे अगर नेटवर्किंग में सिक्योरिटी अगर रखा होता, तो मेरे जैसे जो अननोन पर्सन ट्राइंग टू लॉग इन इन टू द सिस्टम, वो लॉग इन नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा क्या हुआ कि इससे एक बेनिफिट ऐसे हुआ कि पुलिस वालों ने जो अपना वेबसाइट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग बना लिया, मतलब थोड़ा सा अपडेट किया, सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाया, और जो जो उसने लूप होल्स बताए थे कि यहाँ से एंट्री कर पाते हैं अटैकर्स, तो उनको एक एक्चुअली वो एक निगेटिव पॉइंट था कि लॉग इन करके चेक करना, लेकिन उससे उनको बहुत सारा मतलब प्लस पॉइंट ये मिले कि उनके उसके नेटवर्क के उनके जो निगेटिव सिस्टम था, जो भी प्रॉब्लमेटिक था, वो सब कुछ फाइंड आउट हो गया। और लास्ट में, और सब कुछ फाइंड होने के बाद लास्ट में क्या हुआ, फिर उसको इथिकल हैकर, एज ए इथिकल हैकर वो फेमस है। अभी इथिकल हैकर वो क्या करता है, सारे जो फेमस वेबसाइट्स है ना उसको लॉग इन करता है, और लॉग इन करते समय जहाँ से वो लॉग इन कर पाता है ना, और लॉग इन करते समय जहाँ से उसको समझ में आता है कि ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम उस वेबसाइट में जा पा रहे, तो उस एंट्री पॉइंट जहाँ पे फाइंड आउट होते हैं ना, वो उस कंपनी को कन्वे करता है, फिर कंपनी उसको उसके लिए रिवॉर्ड करते हैं या फिर कुछ सर्टिफिकेशन देते हैं कि थैंक यू आप जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लमेटिक लूप होल्स है वो सजेस्ट करने के लिए, इस तरह से उसको अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं फेमस, मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अभी एक्सपर्ट हो गया है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये वाला एक जो कंसेप्ट था ना, वो हैकिंग में आ रहा था कि पहले उसने हैकिंग करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो इथिकल हैकर हो गया। अभी इथिकल हैकर क्या करते हैं, नॉर्मली दे गैदर द इंफॉर्मेशन, प्लान अटैक, एक्वायर टूल अटैक एंड यूज एक्वायर्ड नॉलेज, देन गैदर द इंफॉर्मेशन में क्या आता है, गैदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या रहता है, ये देखो ये एक डायग्राम दिया है सोशल इंजीनियरिंग साइकिल का। तो किस तरह से होता है कि द
एक मेंटल पैच है, जैसे बोल सकते हो कि हमारे एक स्टूपिडिटी होती थी ये करके देखते हैं, जैसे फॉर फन या फिर जस्ट फॉर ऐसे टाइम पास, या फिर जिन लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे ये भी, तो जस्ट फॉर ट्राइंग करने के लिए कर देते हैं। और एक्चुअली क्या करते हैं, सबसे पहले वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, द लर्न एज मच एज ही कैन अबाउट द इंटेंडेड विक्टिम, द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट, अदर पब्लिकेशन एंड समटाइम्स बाय टॉकिंग टू अदर यूजर्स। सबसे पहले उसके बारे में वो डिटेल्स गैदर करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, फिर उसके डिटेल्स वेबसाइट के या फिर पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, उसके डिटेल्स मिलने के बाद फिर वो अटैक करने का प्लान करते हैं। द अटैकर आउटलाइन हाउ ही शी इंटेंड टू एग्जीक्यूट द अटैक। फिर उसके बाद वो सोचते कि ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अभी अटैक कैसे करना है, मतलब किस तरह से एंट्री करना है। देन एक्वायर टूल, दिस इंक्लूड अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एन अटैकर विल यूज व्हेन लॉन्चिंग द अटैक। और नॉर्मली अटैकर जब भी लॉन्च करता है ना, तो एक एंट्री पॉइंट है वो ये रहता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, एक लिंक होगा या फिर एनीथिंग, जिसके कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू वो क्या करता है, उस वेबसाइट को कंप्यूटर प्रोग्राम एक टूल है जिसको यूज करके वो अटैक करना स्टार्ट करता है, मतलब जैसे बोल सकते हो कि उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही अगर वीक सिस्टम होगा, वीक का मतलब क्या है कि जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, तो वहाँ पे अटैक हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रांग वाला प्रोग्राम बनाया है, तो कितना भी अगर आपने अटैक करके टूल यूज किए, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज किए, तो वहां से डेटा स्टोलन नहीं होगा। तो अगर वीक है तो अटैक, एंड यूज एक्वायर्ड नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द सोशल इंजीनियरिंग टेक्टिक्स सच एज पेट नेम्स, बर्थ डेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर इज यूज इन अटैक सच एज पासवर्ड गेस। तो कभी कभी पासवर्ड गेस करने पड़ते हैं, अभी लॉग इन हो मतलब प्लान कर लिया है अटैक कैसे करना है, कौन सा प्रोग्राम यूज करना है अटैक करने के लिए। तो वीक सिस्टम में अटैक होने के बाद क्या करते हैं, नॉर्मली पासवर्ड अगर डालना पड़ा तो गेस करते कि उस बिजनेसमैन का नाम क्या है, फाउंडर का नाम क्या है, एंड उसके पेट नेम्स, उसका निक नेम, ऐसे कुछ शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो गैदर करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इजीली हमें पासवर्ड गेस करना एक एक बोल सकते हो कि आप पासवर्ड गेसिंग इज इजी। पासवर्ड गेस करना एक इजी ऑप्शन है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी के नाम भी पता चला है ना, तो हम नाम डाल के देखते हैं, फिर उसका बर्थडे डाल के देखते हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसका एज, उसका निक नेम, इस तरह से बहुत सारे छोटे से हमें डिटेल्स मिल गए, तो पासवर्ड गेस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पासवर्ड अपने ही डिटेल्स रखते हैं, हम ऐसे ही पासवर्ड रखते हैं कि जो हमें याद रहे, नहीं तो ऐसे हो जाता है कि पासवर्ड हमने असाइन कर दिया और बाद में अगर हमने अपना बर्थ डेट नेम ऐसे कुछ नहीं रखा ना, तो उसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है। क्योंकि क्या करते हैं हम, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो स्टोर किए ना, उसको लॉग इन करके रखा है, तो बार बार हमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बार पासवर्ड लॉग इन हो गया तो हम क्या करते हैं, बहुत सालों तक उसका पासवर्ड चेंज नहीं करते, तो ऑब्वियसली हमें वो पासवर्ड रिमेम्बर नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है फिर। तो पासवर्ड गेसिंग में हम क्या करते हैं, फिर हम अलग अलग पासवर्ड डाल के देखते हैं, हो सकता है कि इसको डालने के बाद लॉगिन हो जाए, ऐसे हम बहुत सारे ट्राई करते हैं और हो सकता है कि उसमें एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाए। तो वैसे ही हैकर भी वैसे ही करते हैं, जितना डाल सकते हैं वो डाल के देखते हैं, और हो सकता है कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट में वो लॉगिन भी हो जाए। मोस्ट टेक्निक एम्प्लॉयड बाय सोशल इंजीनियर इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग ह्यूमन बायस। अभी क्या क्या है, टू काउंटर द फैमिलियरिटी एक्सप्लॉयड। कुछ है ना हमारे आसपास के लोग होते हैं फैमिलियर, मतलब जैसे मेरे फेसबुक में कुछ फ्रेंड्स है या फिर मेरे सोशल मीडिया पे कुछ फ्रेंड्स है, मतलब कंटिन्यूअस कांटेक्ट में नहीं है लेकिन वो मेरे ऐड है, तो उनको मेरे एटलीस्ट बर्थ डेट वगैरह ये पता रहता है, मतलब वो मेरे फैमिलियर है, तो वो हमारे फैमिलियरिटी मतलब हमारे फ्रेंड ग्रुप में ऐड होने की वजह से हमारे जो अबाउट अस है, जो डिटेल्स है, उसको पता रहते हैं, तो उसका मिस यूज करके कुछ लोग लॉग इन कर लेते हैं। कुछ लोग टू काउंटर इंटीमिडिंग सरकमटेंसेस अटैक। इंटीमिडिएटिंग मतलब का ये रहता है कि जैसे फोन के थ्रू फोन करके देखते हैं, जैसे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोला जाता है ना कि किसी का कॉल आएगा तो अपना पिन नंबर शेयर मत करना, मोबाइल नंबर शेयर मत करना, तो ये फोन के थ्रू
अटैक कर सकते हैं जिनके पास हमारा मोबाइल नंबर है, या फिर थोड़े से और डिटेल से आपका बैंक अकाउंट इसमें है तो थोड़ा सा डिटेल जिनके पास है फोन नंबर है ना, वो ये वाले अटैक यूज करते हैं। या फिर फिशिंग टेक्निक, फिशिंग मतलब क्या होता है, एक्चुअल वेबसाइट के जैसे कुछ वेबसाइट लिंक बनाते हैं, amazon.com, amazon.com में अभी अगर हम प्रॉपरली अगर नहीं पढ़ा तो amazon में क्या करते हैं कुछ लोग, MAMAMA, तो AMA के जगह पे ANAZON, तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में हमें लगता है कि सेम अमेजोन ही है, और वो क्या है कि दूसरी लिंक रहती है जो प्रॉक्सी लिंक रहती है जो हमारी डिटेल्स गैदर कर लेती है, तो उसको फिशिंग कहा जाता है। देन टेल गेटिंग अटैक जो है, टेल गेटिंग का मतलब क्या है कि जैसे हम कुछ बोल देते हैं या फिर सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ह्यूमन क्यूरियोसिटी, ह्यूमन क्यूरियोसिटी मैंने अभी जो एग्जांपल बताया वो ह्यूमन क्यूरियोसिटी, मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कुछ मॉडिफाई वगैरह करने की, लेकिन क्यूरियस था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, तो बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी उसने क्या करके देखा तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया। एंड सम टेक्निक्स आर एक्सप्लॉयड ह्यूमन ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या रहता है कि जो ह्यूमन के जो ग्रीड मतलब अच्छे जो हम अच्छे अच्छे मोमेंट्स वगैरह जो शेयर करते हैं जैसे बर्थडे एनिवर्सरी है, जो थोड़े से हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वगैरह, तो उसके थ्रू भी हम क्या है कि उनके नेबर उनके साथ कौन रहता है, उनके पा उनके साथ फैमिली में और कौन है, तो थोड़े बहुत उनके नाम पता चल जाते हैं, इसका नाम ये है वो है, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन तो ये वाले अलग अलग टाइप के टेक्निक्स हैं जो यूज किए जाते हैं। अभी सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द ह्यूमन एलिमेंट्स टू गेन एक्सेस टू अनऑथराइज रिसोर्सेज। सोशल इंजीनियर यूज अ नंबर ऑफ टेक्निक टू फूल द यूजर एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सिक्योरिटी पॉलिसी दैट हैव सोशल इंजीनियरिंग काउंटर मेजर। अभी देखो जैसे इसका शॉर्ट में ये दिया है कि सोशल इंजीनियरिंग में हमें क्या करना है कि ह्यूमन एलिमेंट का जो हम एक्सेस कर रहे हैं अनऑथराइज पर्सन उसको सोशल इंजीनियरिंग का है, और जो सोशल इंजीनियर ये करता है ना वो नंबर ऑफ टेक्निक यूज करता है, और जो फुल यूजर है, फुल का मतलब क्या है, थोड़े से जो लोगों को कम नॉलेज है वो क्या करते हैं कहीं पे भी अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, कहीं पे भी जितने भी लिंक्स आएंगे उसमें अपना नाम डाल देते, अपना पासवर्ड बता देते, अपना पिन बता देते, बैंक का नंबर बता देते, फोन भी आया तो भी नहीं बताना है, प्रॉपर एक्सिस बैंक, प्रॉपर बैंक ऑफ इंडिया का भी फोन आया तो भी डिटेल्स हमें फोन पे नहीं बताने, जो भी काम करना है अगर हमें कुछ काम करना है और उसके लिए अगर फिजिकली जाना पड़े तो फिजिकली जाके उसको करना है, लेकिन डोंट शेयर योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन फोन, ऑन मोबाइल और ऑन लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पे भी शेयर नहीं करना है। तो फुल यूजर, फुल मतलब जिनको पता नहीं रहता है कि ये गलत है, ये वेबसाइट अलग है, वो वहां पे डाल देते हैं और उसका मिसयूज किया जाता है। अभी हैकर का एटीट्यूड क्या रहता है, यहाँ तक समझा क्या आप लोगों को? क्लियर हुआ ना इतना? अभी हैकर का एटीट्यूड क्या होता है, हैकर इट्स आल्सो क्रैकर, हैकर क्रैकर सेपरेशन गिव मोर इम्पेसिस टू रेंज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी सच एज व्हाइट हैड, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, स्क्रिप्ट किडी। द टर्म क्रैकर रेफर्स टू ब्लैक हैट हैकर और मोर जनरली हैकर्स विथ अनलॉफुल इंटेंशन। अलग अलग टाइप के हैकर्स होते हैं, उसमें कैटेगरी कौन से है, पहला एक व्हाइट हैट जो इथिकल हैकिंग करता है, एक ग्रे हैट है, एक ब्लैक हैट है, एक ये है ना हैकर के टाइप्स है। अभी कुछ जो हैकर होते हैं वो अच्छे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ जो हैकर्स होते हैं वो हमारा लॉस करते हैं। तो हैकर आर प्रॉब्लम सॉल्वर, दे गेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड सॉर्टिंग आउट अ सॉल्यूशन, देयर मोटिवेशन टू मीट चैलेंजेस इज इंटरनल, हैकर डू व्हाट दे डू बिकॉज इट इज इट्स एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग टू सॉल्व पजल, फिक्स द अप अंटिल नाउ अनफिक्सेबल। तो उनका क्या जैसे पजल रहता है ना, हम पजल जैसे गेम्स होते हैं उसमें हम नेक्स्ट लेवल जाते हैं, तो उस टाइप का हो जाता है, तो वो जस्ट ट्राई करने जाते हैं और हो जाता है कि एक प्रॉब्लम, वो अलग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, और बाद में क्या रहता है कि वही एज अ सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, जैसे मैंने पुलिस का बताया। हाउ टू बिकम अ हैकर, अभी हैकर का एटीट्यूड किस तरह से रहता है?
तो ये देखो अभी हैकर के जो मैंने अभी व्हाइट हैट रेड हैट ये जो बोले सॉरी ग्रे हैट ब्लैक हैट बताया ना वो यहाँ पे वर्ड टर्म्स यूज किए हैं। ये देखो ये सिंबल है, जो इथिकल हैकर होता है उसकी व्हाइट हैट होती है। अ हैकर हु गेन एक्सेस टू सिस्टम विद अ व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेस, जो उस सिस्टम की वीकनेस फाइंड करने के लिए लॉग इन करके देख रहा है वो इथिकल हैकर होता है। मतलब वो नॉट इंटेंशन फॉर एनी स्टोलन और थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो क्या करता है वीकनेस फाइंड करने के लिए लॉग इन करता है, तो वो व्हाइट हैट होता है। क्रैकर ब्लैक हैट वाला कौन सा होता है? अ हैकर हु गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर पर्सनल गेन, खुद के क्या बोलते हैं हम खुद के प्रॉफिट के लिए अगर कोई हैक करता है, जैसे कुछ बैंक की डिटेल्स मिल जाए, कुछ डेटा मिल जाए, मनी मिल जाए, तो ऐसे हैकर को ब्लैक हैट वाले कहा जाते हैं। ग्रे हैट वाले कौन से होते हैं? अभी वो ब्लैक भी नहीं होते और व्हाइट भी नहीं होते, वो ग्रे होते। अ हैकर हु इज इन बिटवीन इथिकल एंड ब्लैक हैट हैकर्स, ही शी ब्रेक इनटू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट अथॉरिटी विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड रिवेल देम टू द सिस्टम ओनर। ये टाइप जो है ना वो ग्रे हैट में आते हैं, कि मतलब वो क्या करते हैं वो प्रॉपर एक हैकर नहीं है वो, मतलब जैसे आप बोल सकते कि जैसे पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, वो क्या करते हैं जस्ट फॉर फन वीकनेस फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, और ना ही वो इथिकल हैकर, ना ही उसको कंपनी ने या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दिया है, वो अपने अपने आप ही कर रहे हैं विदाउट एनी पर्सनल गेन, और सिर्फ जस्ट फाइंड आउट द वीकनेस, और जब वीकनेस फाइंड आउट जाते हैं तो उसको कन्वे करते, तो ये हो जाते हैं ग्रे हैट। जो मैंने स्टोरी बताई थी वो ग्रे हैट की थी। देन स्क्रिप्ट किडी, नॉन स्किल्ड पर्सन हु गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ऑलरेडी मेड टूल, और कभी कभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हमारे पास हैकिंग के अवेलेबल है, तो उसको स्क्रिप्ट किडी कहा जाता है। मतलब क्या है कि नॉन स्किल्ड पर्सन कोई भी, मतलब जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं, वो भी क्या करता है वो एक ऐप इंस्टॉल करता है, ना उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा कुछ स्किल नहीं है, फिर भी उस ऐप से वो गैदर करने की इंफॉर्मेशन, तो कीड़ी जस्ट कीडिंग के जैसे स्क्रिप्ट वो फन एज ए फन करके देखता है। देन हैक्टिविस्ट, द हैकर हु यूज हैकिंग टू सेंड सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल मैसेजेस, दिस इज यूजुअली डन बाय हैकिंग वेबसाइट्स एंड लीविंग द मैसेज ऑन हैक वेबसाइट्स। और कुछ तो इतने बुरे होते हैं हैक्टिविस्ट, वो क्या करते हैं कि जानबूझ के फाइट होने के लिए सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल मैसेजेस है ना वेबसाइट्स पे डाल देते हैं, फिर वो वेबसाइट को जो जो लोग लॉगिन करते हैं उनको दिखाई जाता है कि ये ऐसा गंदा मैसेज डाला है पॉलिटिकल या फिर एनीथिंग, तो हैक करके वो डालते हैं, तो ऐसे वाले को हैक्टिविस्ट कहा जाता है। एंड प्रीकर, प्रेकर का मतलब क्या रहता है? जैसे प्रैंकिंग करना, प्रैंक करना। अ हैकर हु आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट वीकनेस इन टेलीफोन इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर, और जो फोन के थ्रू प्रैंक करता है, फोन के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको प्रिकिंग कहा जाता है या फिर प्रैंकिंग कहा जाता है, फोन प्रैंकिंग कहा जाता है, तो मोबाइल प्रैंकिंग कहा जाता है, ये इस तरह से उसको कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर के टाइप समझे? ग्रे हैट, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, हैक्टिविस्ट एंड फोन प्रैंकर्स, प्रैंकिंग या फिर प्रैंकर्स बोल सकते हो आप। ओके, तो ये हो गए दे आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ अ हैकिंग। इतने टाइप्स के हैकर हो सकते हैं। दीज आर वेरी सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू बींग इनोवेटिव विच आर एक्सप्लेन एज बिलो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फैसिनेटिंग प्रॉब्लम वेटिंग टू बी सॉल्व। इनोवेशन हैपन वेन हैकर लाइक टू सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन कंप्लेनिंग। इफ वन हैपन टू फाइंड दिस प्रॉब्लम फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग दैट इट वोंट इवन फील लाइक हार्ड वर्क। बोल सकते हो कि आप ये वर्ड में फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, फैसिनेटिंग प्रॉब्लम्स है जो वेट कर रहे हैं किसी का सॉल्व करने का, और उस सॉल्व करने में कुछ लोग इनोवेशन एज ए इनोवेशन या फिर कुछ वो इनोवेशन गलती से हो जाता है बोल सकते ना, तो हैकर ने कर लिया हैक करने के लिए, और हो जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि एक्चुअली सिस्टम में लूप होल क्या था वो पता चल जाता है। नो प्रॉब्लम शुड एवर हैव टू बी सॉल्व ट्वाइस। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि दो बार सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे हैकर एंड परफेक्शनिस्ट फॉर क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम बिफोर दे स्टार्ट जनरेटिंग आइडिया। इट्स इजी टू जंप टू सॉल्यूशन बट समटाइम दैट मीन्स रॉन्ग प्रॉब्लम आर सॉल्व।
लिटिल बिट ऑफ एक्यूरेसी ऑन द फ्रंट एंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मीन्स वन टैकल द राइट एंड रियल प्रॉब्लम सो ओनली वन हैव टू डू इट वंस। मतलब क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे हैकर और परफेक्शनिस्ट कुछ प्रॉब्लम क्लेरिफाई करने के लिए आइडिया स्टार्ट करते हैं जनरेट करना और कुछ सॉल्यूशन पे वो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे हो जाता है कि जो प्रॉब्लम था वो रह जाता है बाजू में और दूसरे प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते और उसमें लिटिल बिट एक्यूरेसी मतलब फुल्ली एक्यूरेट नहीं रहेगा ना, फिर थोड़ा सा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आधा रह गया तो कुछ प्रॉब्लम है ना, और दूसरी बार ऐसे हो सकता है कि वो अप्लाई करने के बाद वो प्रॉब्लम दूसरी बार सॉल्व ही ना हो पाए, इस तरह से वो डेडलॉक हो जाता है इस सिस्टम। कुछ लोग क्या करते हैं बोर्डम एंड ड्रग डीरी मतलब जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो इविल मतलब जैसे कुछ लोग बोर हो रहे हैं या फिर कुछ ड्रग एडिक्शन करने वाले लोग हैं वो इविल के जैसे क्या प्रॉब्लम करते हैं कि जस्ट फॉर टाइम पास बोर हो रहा है या फिर ऐसे ही कुछ जिसे बोल सकते हो ड्रग एडिक्शन की वजह से उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है वो क्या करते हैं जानबूझ के हैक कर रहे हैं या फिर उनको फोर्स कर रहे हैं, इस तरह से कुछ लोग हैक करके देखते हैं। फ्रीडम इज गुड, हैकर नीड फ्रीडम टू वर्क अपॉन देयर आइडियाज। और जैसे ही हैकर को अगर हमने फ्रीडम दे दिया कि तुम अपने हिसाब से यहाँ पे अपने रूल्स वगैरह अप्लाई करके हैक करके देख सकते हो, इथिकल हैकर के बारे में लिखा ही है, तो वो इजीली मतलब उनको ये कंस्ट्रेंट नहीं रहते कि यहाँ से ही एंट्री करना है वहाँ से, वो अपने हिसाब से सारी प्रोबेबल सिचुएशन ट्राई करके कर सकता है। एटीट्यूड इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटेंस, दे आर ओपन माइंडेड एंड दे सी प्रॉब्लम एज इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, इनोवेटर्स आर सीकिंग टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम मोर डीपली पजलिंग एट हाउ। तो एटीट्यूड कैसे रहता है कि एटीट्यूड को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनका एटीट्यूड हैकर बनने का है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेगा, तो वो उसके लिए कंटिन्यूअसली वो दिन रात प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसका जो एटीट्यूड है वो सोता नहीं खाता नहीं पीता नहीं कंटिन्यूअसली, जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता इतना उसका फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता है। तो ये अलग अलग एटीट्यूड के प्रॉब्लम मतलब एटीट्यूड किस हैकर किस तरह से होते हैं वो दिए, कुछ ड्रग एडिक्ट होते हैं कुछ टाइम पास के लिए करते हैं कुछ फ्रीडम मतलब इथिकल हैकर्स असाइन कर देते हैं, कुछ तो सिर्फ अपने वर्ल्ड में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब आप बोल सकते हो कि हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं किस तरह से वो वर्क कर सकते हैं। अभी कंप्यूटर किस तरह से हैक होता है, कंप्यूटर हैकर हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन अ सेंचुरी, सेंचुरी से ज्यादा टाइम हो चुका है जहाँ पे कंप्यूटर हैकर्स प्रेजेंट है। ओरिजिनली हैकर डिड नॉट कैरी द निगेटिव इम्प्लीकेशन इन द लेट 1950 60 कंप्यूटर वेर मच डिफरेंट देन डेस्कटॉप और लैपटॉप सिस्टम, मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विथ दोज। 1950-60 से कंप्यूटर हैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसको निगेटिवली ही नहीं कंसिडर करते, कभी कभी हैकिंग को पॉजिटिवली भी कंसिडर किया जाता है। इन दोज डे मोस्ट कंपनी यूनिवर्सिटी यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो बड़े जायंट थे स्लो थे थोड़े से उसका लॉक करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स यूज कर रहे थे सिर्फ उसको क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए, इस तरह से बहुत सारे मनी वो यूज कर रहे थे सिर्फ इतने ह्यूज बड़े साइज के कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए। देन क्या हुआ फिर, बिकॉज ऑफ द टाइम एंड मनी इन्वॉल्व कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिगेन लुकिंग फॉर अ वे गेट द मोस्ट आउट ऑफ द मशीन, द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग क्रिएटेड व्हाट दे कॉल्ड हैक। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर को लगा कि ना बड़े मशीन को अगर सिक्योर करना है और इतना सारा मनी वेस्ट हो रहा है तो कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जिसमें कुछ सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए इस तरह से, तो उन्होंने हैक वाला वर्ड वहाँ पे शुरू किया जो मॉडिफाई और इम्प्रूव कर किया कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे आपके ये होते हैं ना सिक्योरिटी, पासवर्ड सिक्योरिटी होती है, लॉक करने की सिक्योरिटी होती है, लॉक मतलब ये पासवर्ड फोल्डर को लॉक करना, तो ये अलग अलग सिक्योरिटी फिर डेवलप करना वहाँ से स्टार्ट हो गया। हैक करना मतलब पहले देखना कि अपने फाइल फोल्डर दूसरे ओपन कर सकते हैं क्या, अगर ओपन हो गया तो वो हैक हो गया, अगर हो गया तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी बनाना, तो इस तरह से कंप्यूटर हैकिंग में 1950-60 में थोड़ा सा वर्क होना स्टार्ट हो गया। स्टिल फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स हैकर हैव डन दे प्रोवाइड अ नेसेसरी। अभी क्या हुआ फिर सारे नेगेटिव जो
थिंग से वो जो है वो प्रोवाइड करने लगे और उससे अच्छे वाले सिक्योरिटी सिस्टम बनने लग गए। अभी हैकर इथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं? ट्रेडिशनली अ हैकर इज समवन हु लाइक्स टू टेम्पर विद सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हैकर का काम क्या रहता है? टेम्पर करना। टेम्पर मतलब मॉडिफाई करना या फिर जानबूझ में उसमें एंटर करने की कोशिश करना जो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। हैकर एंजॉय एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग हाउ कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट। और हैकर में को है ना कुछ मतलब ज्यादातर तो क्या रहता है, फन के लिए, लर्निंग के लिए, मजे के लिए ट्राई करते रहते हैं और डिस्कवर करने के लिए, अरे इसके अंदर क्या होता है, इसके हम नॉर्मली क्या करते हैं मोबाइल में भी, अरे इसके सेटिंग की वजह से क्या होते हैं, कंप्यूटर में ये अगर डाला तो क्या होता है। तो ये क्या है, हमारा वन वे ऑफ एटीट्यूड है कि हम क्यूरियोसिटी के लिए वो करते जाते हैं अंदर। और जैसे जितने आप डेप्थ में जाते हो उतने ज़्यादा आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ फीचर्स फाइंड होते जाते हैं। हैकर हैव टेकन ऑन अ न्यू मीनिंग, समवन हु मैलिशियसली ब्रेक इनटू द सिस्टम फॉर अ पर्सनल गेन। एंड टेक्निकली दिस क्रिमिनल्स आर क्रैकर्स। क्रैकर ब्रेक इनटू सिस्टम विथ मैलिशियस इंटेंट। जैसे आपको मैंने बोला कि हैकर को क्रैकर भी कहते हैं, और जो पर्सनल गेन के लिए, पैसों के लिए जो करते हैं, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो करते हैं वो क्रैकर होते हैं। और हैकर जो होते हैं वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, लर्निंग के लिए, डिस्कवर न्यू थिंग्स के लिए जो करते हैं वो हैकर्स होते हैं। तो क्रैकर डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, स्टील करते हैं डेटा को। हैकर वहाँ पे न्यू न्यू थिंग्स लर्न करते हैं। द गुड गाय व्हाइट हैट हैकर डोंट लाइक बिगिन इन द सेम कैटेगरी एज बैड बॉय। बैड गाय क्या करते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स अनइथिकल हैकर है, और व्हाइट हैट हैकर वो क्या है, इथिकल हैकर से। व्हाट एवर द केस मोस्ट पीपल गिव हैकर अ नेगेटिव मीनिंग। तो बैड हैकर जो होते हैं वो ब्लैक हैट वाले, और गुड जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो होते हैं वो ग्रे हैट हैकर होते हैं। व्हाट एवर द केस मोस्ट पीपल गिव हैकर अ नेगेटिव मीनिंग। मेनी मैलिशियस हैकर क्लेम दैट दे डोंट कॉज डैमेज बट इंस्टेड आर सेल्फलेसली हेल्पिंग अदर्स। कुछ लोग तो हैकिंग का मतलब ही नेगेटिव ही समझते हैं, हैकिंग मतलब चोरी करना। तो हर बार हैकर चोरी के लिए नहीं करता है, डैमेज के लिए नहीं करता है, ना फिर मॉडिफाई के लिए करता है। वो क्या करता है कि चेक करता है कि कहाँ कहाँ से एंट्री हो सकता है और उसको उस कंपनी को फॉरवर्ड करता है। तो ये वाले जो हैकिंग जो है वो हेल्प करते हैं, तो आप उसको हमेशा निगेटिवली दे थिंक दे कैन कॉम्प्रोमाइज। अभी क्या रहता है, सम प्रेफर प्रेस्टिजियस वेल प्रोटेक्टेड सिस्टम, बट हैकिंग इनटू एनीवन सिस्टम इंक्रीजेस देयर स्टेटस इन हैकर सर्कल। कुछ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए हैकिंग करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो इफ वन नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर ट्रबल, वन हैज टू बिकम अ सेवी एज द गाय ट्राइंग टू अटैक सिस्टम। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से सेवर होना चाहिए, जो अच्छी सिक्योरिटी होना चाहिए जो चोरी ना कर पाए। अभी मैं आपको कुछ हैकिंग फिर से, यहाँ पे हैकिंग फिर से ये जो था, ये बेसिक टर्म थे, बेसिक टर्म में फिर इथिकल हैकिंग बताया मैंने आपको। इथिकल हैकर का एटीट्यूड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। वो व्हाइट हैट हैकर होते हैं, उनका इंटेंशन पर्सनल या प्रॉफिट नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, टू स्ट्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं। क्रिमिनल हैकर्स क्या क्या यूज करके उसकी पासवर्ड गेस कर सकते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये वाले उनके कंस्ट्रेंट है तो वो कंपनी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे वाले पर्सन को फिर उनकी तरफ से रिवार्ड या फिर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अभी इथिकल हैकिंग वर्सेस ऑडिटिंग। मेनी पीपल कंफ्यूज सिक्योरिटी टेस्टिंग वाया द इथिकल हैकिंग अप्रोच। अभी कुछ लोग है ना, कुछ लोगों को लगता है कि हम इथिकल हैकर के थ्रू अपने सिक्योरिटी कैसे टेस्ट करें, ऑडिट करना होता है एक प्रकार है। सॉरी, एक बार क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में ट्राई करके देख रहे, तो हमें सिक्योरिटी ऑडिटिंग समझ में आ गई। तो नॉर्मली कुछ लोग है ना उसको प्रेफर नहीं करते कि मैं हैकर से क्यों अपना सिक्योरिटी टेस्ट करूँ, बट हैकर से अगर हमारा सिक्योरिटी टेस्ट किया जाएगा तो ये बेस्ट ऑडिटिंग रहेगा, क्योंकि वो सारे जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो सारे अटेम्प्ट अप्लाई करके लॉग इन करने की कोशिश करते हैं।
तो वो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, मतलब उसके लूप होल्स फाइंड करने के लिए इजी हो सकता है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग अ कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी टू व्हाट एक्चुअली टेकिंग प्लेस। ऑडिटिंग ऑफन इन्वॉल्व रिव्यूइंग बिजनेस प्रोसेस, इन मेनी केसेस माइट नॉट बी वेरी टेक्निकल। टेक्निकल नहीं हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस प्रोसेस के लिए कुछ लोग इथिकल हैकिंग से सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं। कुछ इथिकल हैकिंग जो होते हैं वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किसी से भी वो कर सकते हैं। मतलब जैसे कीडी ना, जो एक्सपर्ट सिस्टम नहीं, एक्सपर्ट नहीं है पर्सन, वो भी लॉग इन कर पाते कि उनसे भी करके देखते हैं, तो उससे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। पॉलिसी कंसिडरेशन, इफ इट इज चोजन टू मेक इथिकल हैकिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, वन रियली नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग पॉलिसी, सच अ पॉलिसी आउटलाइन हु डूइंग द टेस्टिंग, द जनरल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दैट इज परफॉर्म एंड हाउ ऑफन द टेस्टिंग टेक्स प्लेस। और पॉलिसी कंसिडरेशन क्या रहता है कि डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग पॉलिसी लिख के रखते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम रहता है उसके लिए, तो वो सारे बनाने के लिए भी हमें हैकिंग की ज़रूरत होती है। तो हैकिंग का फिर से वन मोर टाइम यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, हैकिंग इज आइडेंटिफाई वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट इट वीकनेस टू गेन एक्सेस। हैकिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर और नेटवर्क की वीकनेस फाइंड करना और वो एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना, मतलब सबको बताना टू गेन एक्सेस, तो ये वाले इसको कहा जाता है हैकिंग। ओके, तो हैकिंग वाले चैप्टर में क्या क्या है मैं पहले एक और बार बता देती हूँ आपको। तो हैकिंग के चैप्टर में था हाउ हैकर्स बिजेट इथिकल हैकर, एक्चुअली डिफाइन हैकर्स, मैलिशियस यूजर्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ हैकर बताए मैंने आपको अभी, अंडरस्टैंडिंग द नीड टू हैक योर ओन सिस्टम, और हमें अपने खुद के सिस्टम को हैक करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम का कुछ लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उनके वेबसाइट पे, तो उसके लिए भी हैकिंग करना पड़ता है, उनके कंस्ट्रेंट या फिर लूप होल चेक करने के लिए एटीट्यूड बनाना पड़ता है, तो ये उसके नीड है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको हैकिंग जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तो आज मैंने बेसिक्स बताया, बेसिक्स मतलब क्या रहते हैं, क्या क्यों करते हैं लोग, तो उनका एटीट्यूड होता है, कुछ लोग बोर होते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट होते हैं, कुछ इस तरह से अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करते हैं, कुछ लोग ये वाला डेटा का कहाँ से चोरी करते हैं वो भी मैंने बताया कि फ़ोन का डेटा, सोशल मीडिया की इमेजेस, या फिर फ़ोन करके मतलब आपको एटीएम का पिन वगैरह पूछते हैं ना, उसको कहा जाता है ह्यूमन क्यूरियासिटी, कुछ क्यूरियस होते हैं फ़न के लिए करते हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स मतलब जो आपके फ्रेंड में होते, फ्रेंड सर्कल, उनको आपकी इंफॉर्मेशन पता रहती तो उसको गेस करके वो अटैक करके देखते, तो ये नंबर ऑफ टेक्निक्स यूज करके अटैक कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को गेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन से होते हैं और उनकी प्रोसेस कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोसेस का मतलब वो कौन से टाइप के अटैक है और अटैक करने के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक वो क्या क्या करते जाते हैं, तो आपको ये सारा डिटेल मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। आज के लिए जो मैंने बताया वो इनफ है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बेसिक? एक्चुअली ये वाले सारे टर्म्स हमारे फैमिलियर टर्म है, हैकिंग, इथिकल हैकिंग। थोड़ा सा इथिकल हैकिंग का मतलब अभी मैं वन मोर टाइम थोड़ा सा रिकॉल, इथिकल हैकिंग का मतलब क्या है, जो जिसको हमने थोड़ी सी परमिशन दी है, ऑथराइज पर्सन है जो हमारे सिस्टम के और नेटवर्क के लूप होल्स और कंस्ट्रेंट फाइंड कर रहा है वो इथिकल होता है, और नॉन इथिकल का मतलब क्या रहता है, अनऑथराइज पर्सन फॉर देयर पर्सनल प्रॉफिट, क्रैकर्स। हैकर पॉजिटिव वे में लिया है और क्रैकर नेगेटिव वे में लिया है। हैकर जो हमारी हेल्प करेंगे सिक्योरिटी सिस्टम के वीकनेस रिमूव करके उसके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, वो हैकर्स रहेंगे, और क्रैकर्स जो हमारे सिस्टम का डेटा डिलीट करते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जो जानबूझ के हमारे सिस्टम को करप्ट करते हैं, वो क्रैकर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में हैकिंग के बारे में देखेंगे। आज जितना पढ़ा है वो आप सभी के कंसेप्ट क्लियर हो गए।
ओके, थैंक यू। सभी के रिप्लाई आ गए, तो आपको चैप्टर अगर क्लियर हो गया होगा तो ठीक है। मैं अभी आपको अटेंडेंस लिंक शेयर कर रही हूँ।